व्हाट्सअप गाइस, काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग में बना रहा हूँ एंड आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है इतने दिनों बाद ब्लॉग बनाने का। एंड गणेश चतुर्थी मतलब हम लोग हर साल बहुत अच्छे से मनाते हैं एंड इस साल लोकेशन बहुत ही पास में है जहाँ से हमको गणेश जी की मूर्ति लानी है, वो यहीं पर, मतलब ये हमारा घर है एंड यहीं पर जाके लेना है। एंड ये ब्लॉग मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ अ फर्स्ट गणेश चतुर्थी आफ्टर मैरिज इन न्यू होम, तो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो एक्साइटेड। एंड बस अभी कुछ ही देर में हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ से कलेक्ट करना है एंड बाकी बाद में पूजा वगैरह करना है, तो तब तक मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रिपरेशन चल रहे हैं। हम गणपति लेने जाने वाले हैं और मम्मी यहाँ पे मोदक बना रही है, बाकी सब खाना हो गया बना के, अभी थोड़ा बाकी है, सारा हो रहा है। एंड ये यहाँ पे बैठा हुआ है एंड ये भी हमारा एक न्यू पेट है जिसका नाम है चीटो। तो गाइज न्यू होम है तो न्यू सेटअप भी है, आप यहाँ पे आईने में देख सकते हो, मैं आईने में नहीं आपको क्लियर बताता हूँ। ये मेरा सेटअप है इस बार का जो इस घर में हमने किया है, एक छोटा सा कॉर्नर जहाँ पे मैं काम करता हूँ। गणपति बप्पा। तो जस्ट अभी गणेश जी की मूर्ति लेके आ गए एंड वहाँ पे रश बहुत था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना रश है। गणपति का काम इतना होता है, इतनी चीजें होती है करने के लिए, एंड गाइस सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि ये डेकोरेशन पूरा मेरे पापा ने किया, पूरा का पूरा, मतलब मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ लेकिन मैंने ज्यादा हेल्प नहीं किया, एक दो हफ्ते से पापा लगे हुए थे तब जाके डेकोरेशन हुआ, सो ऑल द क्रेडिट गोज टू माई डैड, उन्होंने बहुत मेहनत से इसे इतना अच्छा बनाया है। एंड आपको डेकोरेशन कैसा लगा आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की एंड ये बस फर्स्ट डे था। हमारे घर पे 10 दिन गणेश जी होते हैं लेकिन बस मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कुछ बनाया नहीं था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि नए घर में गणेश जी को पहली बार ला रहे हैं तो एक इम्पोर्टेंट चीज थी एंड स्पेशल भी था, तो आपसे बस शेयर करना था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सुबह से बहुत काम किया है तो अभी भूख लग रही है, जाके हम लोग खाना खाएंगे। एंड इसके आगे से इस चैनल के ऊपर ऐसे ही ब्लॉग्स आते रहेंगे, डेली ब्लॉग्स हो या कुछ भी हो, डेली लाइफ में जो भी चलता है मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोज बनाऊँ एंड आपको एंटरटेन करूँ। तो डेफिनेटली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। आज हमने गणपति के लिए प्रसाद बनाया है, उसमें वरण भात, रोटी, काकड़ी का रायता, उसको काकड़ी की कोशिमबीर भी बोलते हैं हम लोग, और मेथी की सब्जी और आलू की सब्जी और पापड़, और मीठे में है चावल की खीर, और गणपति का सबसे प्रिय व्यंजन कौन सा है, मोदक। ये देखिए मोदक बनाया है गणपति बप्पा।